नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षण विधि के अंतर्गत अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक जो विधि है मेथड से उसके बारे में जानेंगे। क्या है ये विधि? हम कहेंगे कि यह एक तरह से वैज्ञानिक विधि है और पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है, जिसके अंतर्गत जो बालक होता है या जो छात्र होता है स्वयं किसी समस्या की जड़ पर जाकर उसका समाधान करता है, उस पर निरीक्षण करता है, उसमें तर्क वितर्क करता है और कहीं ना कहीं उसमें एक जो वैज्ञानिक सोच होती है, जो नवीन सोच होती है, उस सोच का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि आज के समय में यह विधि काफी उपयोगी है। बालकों को मानसिक विकास करने के लिए, जो तर्क वितर्क की क्षमता का विकास करने के लिए और एक वैज्ञानिक सोच का निर्माण करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो समस्याएं होती है उस समस्याओं को बालक बिना किसी की विशिष्ट सहायता लिए हुए स्वयं उस समस्या की ओर जाकर उसका समाधान निकाल सकता है, ताकि वह हम कह सकते हैं जो शिक्षण है उस शिक्षण के उद्देश्य को वो पूर्ण करे और जो समस्या उसको शिक्षण में आती है कहीं ना कहीं उस समस्याओं को दूर करने का वह प्रयास कर सकता है। इसलिए इस विधि को हम उच्च कक्षाओं में काफी सफल रूप से इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इस विधि को अच्छे से जानते हैं। जैसा कि हम आज पढ़ रहे, हमारा टॉपिक है अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि। इसका अर्थ हमने बता दिया, अनुसंधान या रिसर्च, जो शोध होता है, जो अनुसंधान होता है उसमें हम खोज के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर बालकों को पहुंचा सकते हैं या बालक स्वयं उसमें पहुंच सकता है। इस विधि के जो जन्मदाता है और स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, यानी कि और स्ट्रॉन्ग ने इस अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन या इसको जन्म दिया है। अगला है कि स्वयं खोज करने की विधि। जैसा हमने बताया था कि ये विधि स्वयं खोज करने की विधि है, ये करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बालक किस तरह से स्वयं निष्कर्ष पहुंचता है, इस विधि से हम बालकों को सिखा सकते हैं। अब जैसा कि इस विधि के बारे में जाना, तो अब हम जानने की अध्यापक का क्या स्थान है। जैसा कि हमने पहले जाना था कि बालक बिना किसी की विशिष्ट सहायता लिए इस निष्कर्ष पहुंचता है, लेकिन अध्यापक का रोल होता है कि बालकों को किसी समस्या को प्रदान करके बालकों पर निगरानी रखे और बालक किस तरह से उस पर कार्य करता है उसका निरीक्षण और पर्यवेक्षण करे, ये अध्यापक का दायित्व होता है। तो अध्यापक एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, सिर्फ गाइड का काम करेगा, उसको देखरेख करेगा कि क्या बालक उस कार्य को सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला है अध्यापक को इसमें निपुण, जागरूक, निरीक्षण करने वाला होना चाहिए। ये भाव अगर अध्यापक में होंगे तभी वह इस विधि को सफल बना सकता है। अगर अध्यापक के अंदर निरीक्षण करने का भाव नहीं है, वो इसमें जागरूक नहीं है, उसमें निपुण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो ये विधि सफल नहीं बन सकती। इसलिए अध्यापक को इसमें इन तीनों का होना जरूरी है। अगला है स्वयं में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास। अध्यापक के अंतर्गत स्वयं वैज्ञानिक और नवीन सोच का विकास होना चाहिए, तभी इस विधि को सफल बना सकता है। अगर अध्यापक इस वैज्ञानिकता से दूर है, नवीन सोच से दूर है, तो यह विधि को कहीं ना कहीं अध्यापक इसको सफल नहीं बना सकता। इसलिए अध्यापक में इसमें निपुण होना जरूरी है। अब इस विधि के क्या गुण है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला है छात्र क्रियाशील रहता है, यानी हम बोल सकते हैं कि बालक इस विधि में कहीं ना कहीं क्रियाशील रहता है और उस कार्य को निपुणता से करने का प्रयास करता है। अगला है छात्र स्वयं के प्रयास से सीखता है, क्योंकि समस्या बालक की होती है तो बालक कहीं ना कहीं स्वयं जो इसका प्रयास करता है उस प्रयास के माध्यम से सीखता है और कहा जाता है कि जितना प्रयास करेगा उतना ही उसको सीखने का अवसर मिलेगा। अगला है यह मनोवैज्ञानिक विधि है। हम सही बोल रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक, क्योंकि यह बालकों की मनोदशाओं के आधार पर ध्यान रखी जाती है, बालकों की मन को विकसित करती है, बालकों की मानसिकता को विकसित करती है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला है छात्रों को तार्किक बनाती है। तार्किक यानी कि तर्क वितर्क करने की शक्ति बनाती है, सोचने विचारने की शक्ति निर्मित करती है, तो हम कह सकते हैं कि बालकों के अंदर तार्किक शक्ति का निर्माण इस विधि के माध्यम से किया जाता है। अगला है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है, यानी सेल्फ डिपेंड, बालकों को किसी कार्य को करना, उसमें किस तरह से निपुणता प्राप्त करना, समस्याओं को किस तरह से दूर करना, ये सभी भाव आत्मनिर्भर इस विधि के माध्यम से बालकों को बनाया जाता है। अगला है वैज्ञानिक सोच का निर्माण, जो नवीन सोच होती है, वैज्ञानिक सोच होती है, उस वैज्ञानिक सोच का निर्माण इस विधि के माध्यम से बच्चों के अंदर निर्मित किया जा सकता है, ताकि बालक इस सोच के माध्यम से जीवन में जो भी नया करना चाहते हैं, नया कुछ खोजना चाहते हैं, तो वो अपने जीवन में कर सकते हैं। इसलिए यह वैज्ञानिक सोच का निर्माण इस विधि के माध्यम से बालकों के अंदर किया जाता है।
तो हमने जाना कि जो अनुसंधान विधि है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसके अंतर्गत इसमें अध्यापक के क्या दायित्व होने चाहिए और इस विधि के क्या गुण हैं, उच्च कक्षाओं में किस तरह से उपयोगी है, बच्चों में नवीन सोच किस तरह से निर्मित करती है, वैज्ञानिक और मानसिकता किस तरह से निर्मित करती है और किस तरह से समस्याओं के समाधान से तर्क वितर्क की क्षमता का विकास होता है। यह इस विधि के गुण से हम समझ सकते हैं कि यह विधि शिक्षण में जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नवीन आयाम प्रस्तुत करने के लिए विधि बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जहां इसके गुण हैं, जहां इसके फायदे हैं, वहीं कुछ इसकी कमियां भी सामने आती है, क्योंकि कमियां और गुण हर सिक्के के दो पहलू के समान है। तो इसकी जो कमियां हैं, इस कमियों को हम जानते हैं, जो इसके दोष है, इसकी जो कमियां हैं, इसकी कमियां किस तरह से सब जो जाते हैं। सबसे पहला है निम्न कक्षा हेतु अनुपयोगी। जहां अनुसंधान सोच और वैज्ञानिकता की बात हो रही है, तो छोटे बच्चों से आप उम्मीद करो कि इस विधि का प्रयोग कर सके, यह हम इस बात से अवगत नहीं हो सकते, इस बात को नहीं मान सकते कि छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए अनुपयोगी है। सिर्फ बड़ी कक्षा होती है वहां पर यह विधि सफल बन सकती है। दूसरी बात है खोजबीन तथा निष्कर्ष के लिए पर्याप्त समय चाहिए। एक कक्षा का समय 30 से 35 मिनट का होता है और उस 30 से 35 मिनट में यह निष्कर्ष निकालना कि बच्चे उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे और खोजबीन कर सकेंगे, ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि खोजबीन के लिए पर्याप्त समय चाहिए और 30 से 35 के समय में या कम समय में यह सफल या ये विधि सफल नहीं बन सकती। इसके लिए समय का अभाव रहता है, इसलिए इसके दोष को दर्शाती है। तीसरी बात यह व्ययपूर्ण, ये खर्चीली भी है, क्योंकि शोध या अनुसंधान के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष पुस्तकों की आवश्यकता होती है जो कि कॉस्टली होती है, महंगी होती है और हम कह सकते हैं कि इससे फिर खर्चा होता है। तो ये विधि एक व्ययपूर्ण विधि है जो सभी के लिए संभव नहीं है। अगला है छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसमें बालकों को स्वतंत्र प्रदान किया जाता कई बार और बालक निष्कर्ष निकालते निकालते तर्क वितर्क करते हुए कभी कभार गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो इन गलत निष्कर्ष पर उनका समय बर्बाद होता है और कहीं ना कहीं खर्चा भी हो सकता है। इसलिए बालकों को गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाना इसके कमियों, इसको दोष को उजागर करता है। अगला है अधिक संख्या वाली कक्षाओं में अनुपयोगी। जहां छोटी कक्षा होती है, जहां कम बच्चे होते हैं, वहां पर तो ये विधि सफल हो सकती है, क्योंकि वहां पर बच्चों को समय भी मिल जाता है और कहीं ना कहीं अध्यापक को निरीक्षण करने का समय भी मिल जाता है। लेकिन जहां बड़ी कक्षा हो, जहां संख्या ज्यादा हो, वहां पर यह विधि सफल नहीं बन सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिक संख्या वाली कक्षाओं में यह विधि अनुपयोगी रूप से सामने आती है। अगला है गणित व विज्ञान के लिए उपयोगी। जहां गणित विज्ञान के जो विषय है वो उन विषयों के लिए तो विधि उपयोगी है, क्योंकि विज्ञान अपने आप में एक नई खोज के लिए है और नया आविष्कार करता है और गणित में भी कुछ ना कुछ नयापन आता रहता है, तो इन दोनों विषयों के लिए तो ये विधि उपयोगी है। लेकिन जहां पर आप सामाजिक विज्ञान जैसे कुछ विषय हो सकते हैं या कुछ आप दर्शन शास्त्र जैसे कुछ विषय हो सकते हैं, वहां पर इस विधि का अगर प्रयोग करेंगे तो वहां पर शायद ये कहीं ना कहीं अनुपयोगी रूप से सामने आ सकती है, क्योंकि वहां पर नयापन कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सिर्फ गणित और विज्ञान तक ये विधि सीमित रह जाती है। अगला है बालकों में वैज्ञानिक सोच निर्मित हो, यह ब्रह्मपूर्ण है। हम इस विधि में बात करते हैं कि इस विधि का प्रयोग करने से बालकों की जो मानसिक शक्ति का विकास होता है, बालकों को वैज्ञानिक शक्ति का विकास होता है, बालकों में नवीन सोच का निर्माण होता है, तो यह विधि बालकों के अंदर एक वैज्ञानिक सोच, एक खोजपूर्ण विधि के रूप में बालकों के सामने आती है। और हम ये बात भी करते हैं कि बालक एक वैज्ञानिकता की ओर अग्रसित होता है, लेकिन यह भ्रमपूर्ण है। सभी बालक इसके लिए अग्रसित हो इस बात को हम नहीं मान सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालकों में वैज्ञानिक सोच का निर्माण हो यह एक भ्रमपूर्ण रूप से सामने आता है, ऐसा नहीं हो पाता है और इसलिए यही बात इसके दोष को ये सामने लाती है। तो हमने जाना कि जो अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि इसके क्या दोष है। तो आज की कक्षा में हमने इस अनुसंधान ह्यूरिस्टिक विधि इस मेथड को जाना, ये मेथड किस लिए उपयोगी है। जहां शिक्षण की बात आती है तो शिक्षण में एक नयापन और एक नवीन जो शोध प्रवृत्ति लाने के लिए, एक कुछ नवीन तथ्यों को सोचने के लिए एक सोच ये विधि काम आ सकती है। शोध अपने आप में आप बोल सकते हो कि शोध के माध्यम से नयापन और नवाचार लाया जाता है, तो ये विधि सही है। लेकिन कक्षा कक्ष में जहां जरूरत होती है वहां इस विधि का प्रयोग हमको अवश्य करना चाहिए और शिक्षण में नयापन और नवाचार लाने के लिए ये विधि काफी सफल और सार्थक
बन सकती है। थैंक यू। अनुसंधान विधि को बताते हुए इसके गुण तथा इसके दोष को बताइए।